अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी नान खटाई की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। नान खटाई आपने बहुत से टेस्ट की खाई होंगी, जैसे मैदा, सूजी, बेसन या सिर्फ मैदा या सूजी की खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको प्लेन फ्लावर मैदा उसकी बनाऊंगी। आपके लिए बहुत इजी रेसिपी है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी कुछ खास नहीं, कुछ यूँ हैं। 1½ कप मैंने यहाँ मैदा लिया प्लेन फ्लावर, आप इसमें से 1½ टीस्पून निकाल लीजिएगा, चाहे तो इतना ही रखें। ये जब हम बैटर बनाते हैं, पूरा बैटर बनाते हैं, तो उस तरीके से हम इसमें आटा देखते हैं कितना जाएगा। अगर कम ज़्यादा पड़ा तो हम इसमें से निकाल लेंगे 1 टीस्पून, 1½ टीस्पून, वरना इतना ही रहने देंगे। ये हाफ तकरीबन मैंने कप लिया है घी, ये देखें बहुत पिघला हुआ नहीं है और बहुत ही जमा हुआ नहीं है। और ये लिए है तकरीबन फाइन सूजी 2 टेबल स्पून, ये थोड़े से मैंने बादाम पिस्ते लिए हैं, बीच में जाएंगे 2 टेबल स्पून। ये फाइन मैंने यहाँ बिल्कुल ये ग्राइंड कर लिया चीनी, इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इलायची डाल ली है ग्रीन कार्डमम, और ये मैंने ये देखिए चीनी बिल्कुल ग्राइंड कर ली है। ये एक देखिएगा, ये जर्दी मैंने लिए, इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर मिलाया है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने इसके लिए एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले ये जो है घी, सबसे पहले मैं ये डालूंगी इसमें 1/2 कप, और इसको खूब अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से बीट करना है, इससे बीटर से, चाहे तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला अच्छा रहता है, इससे अच्छा बीट हो जाता है। जब तक फ्लफी नहीं हो जाता उसको बीट करते रहिए। ये देखिए ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आ गया है, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको इससे बीट किया है। अब ये जो चीनी है, साथ ही इसमें ये भी मिला लेते हैं, इसको खूब अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे 10 मिनट तक, बिल्कुल ऐसे जैसे ये क्रीमी फॉर्म हो जाएगी इसकी। जब तक जितना आप इसको बीट करेंगे, ये बड़ी माउथ मेल्टिंग बनेगी, बड़ी खस्ता बनेगी ये। ये देखिए हो गया है, बड़ी अच्छी फ्लफी हो गई है, क्रीमी स्टाइल हो गई है। इसमें साथ ही हम सूजी डाल देंगे, फाइन सूजी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ये और पर्पस फ्लोर मतलब मैदा थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पहले मैं आधा डाल देती हूँ, मिलाइए इसे अच्छी तरह। साथ ही इसमें थोड़े से ये आपको बताया था पिस्ते बादाम, ये सारे डालेंगे, कोई भी आप इसमें ले सकते हैं, ऑप्शनल है, काजू भी ले सकते हैं। बादाम डालेंगे, काजू या पिस्ता, जो भी आप डालना चाहें अच्छी बनेगी। ये देखिए बाकी का भी मैं डाल देती हूँ मैदा, ये देखिए सारा डाल दिया मैंने। इसमें से मैंने पहले निकाल लिया था, बताया था आपको 1½ टीस्पून मैंने मैदा निकाल लिया था। अब इस स्टेज पे आप इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कीजिए। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे, फिर इसके हम आप दिखाएंगे इसकी टिक्कियां कैसे बनती हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए और ये इसका जो टेक्सचर देख रहे हैं आप, कितना अच्छा टेक्सचर बना है। आप ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ इसी स्टाइल में बनाइएगा। इसकी टिकिया बना लेते हैं, ये छोटा सा पोर्शन ऐसे लेंगे हम और इसको इस तरीके से हाथ में ऐसे ऐसे, ये देखिए ये बहुत पतली नहीं कीजिएगा, इस फॉर्म में ऐसे कीजिएगा इसको, और इसको रखते जाएंगे दूर दूर। ये देखिए ये हमने ये बना ली है। अब इसमें हम ये जो जर्दी है ये लगाएंगे इस तरीके से, ये ऐसे, साथ ही हम ये बादाम लगा देंगे इस पर इस तरीके से, थोड़े से बादाम लगा देंगे, थोड़े से आप चाहें तो पिस्ता लगा दें। ये 180 डिग्री पे प्री हीट करना है हमें ओवन को, 10 मिनट 10 मिनट, और फिर 10 मिनट मजीद हम इसको बेक करेंगे। अगर आप उसमें बनाना चाह रहे हैं विदाउट ओवन, तो उसके लिए भी हम इसी तरीके से, पहले हम लोग जैसे हम भगोना है उसमें हम प्री हीट करेंगे तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट, हम अपने भगोने को या अपने जो भी नॉन स्टिक पैन को 15 मिनट 20 मिनट प्री हीट करेंगे, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट हम मज़ीद उसको बेक करेंगे बगैर ओवन के। चलें बेक करते हैं हम इसको। ये देखिए ये हमारी नान खटाई जो है ये 20 मिनट में बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की बनी है ये। इसको तकरीबन 20 मिनट ही दीजिएगा, अगर आपको ये 10 मिनट में लगा कि ये नहीं हो रही तो कम से कम आपको 18 से 20 मिनट लाजमी दीजिएगा, ये बन जाएगी। क्रैक आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर मैं करीब से दिखूँ, ये देखें। इसको ठंडी हो तो ही आप इसको डिश आउट कीजिएगा, अदरवाइज इसको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाइएगा, वरना ये बिखर जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट होती है ये ठंडी होने पर इसको डिश आउट कीजिएगा।
हमारी मज़ेदार सी नान खटाई। इसमें मैंने 3/4 कप चीनी ली थी, अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत खस्ता बनी है, ठंडी होने पर ही आप इसको खाइएगा, वरना ये अदरवाइज़ गर्म होने पर ये बिल्कुल बिखर जाएगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अच्छी सी नेक्स्ट मैं रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।